बच्चों, आज हम प्लेटो के परिवार या स्त्रियों के साम्यवाद पर चर्चा करेंगे। साम्यवाद से तो आपको स्पष्ट हो गया कि प्लेटो स्त्रियों के साम्यवाद से क्या तात्पर्य, लेकिन प्लेटो का ये स्त्रियों का साम्यवाद केवल अभिभावक के लिए है। वह अभिभावक के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ उन्हें निजी परिवार से भी वंचित कर देता है। प्लेटो का विचार है कि अभिभावक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर रह सके, इसके लिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए। वस्तुतः परिवार का विचार संपत्ति की धारणा पर ही आश्रित होने के कारण परिवार विषयक साम्यवाद संपत्ति के साम्यवाद का ही तार्किक परिणाम है। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद की अपेक्षा परिवार विषयक साम्यवाद का अधिक विस्तार के साथ निरूपण किया है, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। प्लेटो ने इस सिद्धांत का स्वरूप बतलाते हुए कहा है, अभाव वर्ग के स्त्री या पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा, कोई भी किसी के साथ स्थायी रूप से व्यक्तिगत रूप से सहवास नहीं कर सकेगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, उनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी, न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न ही संतान माता पिता को। परिवार विषयक साम्यवाद के पक्ष में प्लेटो के कई तर्क दिए हैं, जिन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अभावर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना प्लेटो का प्रथम उद्देश्य है, या अपना उसका प्रथम तर्क है। इसका मतलब है, प्लेटो परिवार को एक ऐसी सतत संस्था मानता है जो व्यक्तियों में संकीर्ण मनोवृत्ति तथा प्रबल स्वार्थपूर्ण भावनाएं उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त पारिवारिक मोह तथा चिंताओं में फंसकर व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्यों के संपादन में वैसी सजगता का परिचय नहीं दे सकता जैसी सजगता अभाव वर्ग के व्यक्तियों में होनी चाहिए। अतः प्लेटो अभाव वर्ग के लिए परिवार की व्यवस्था का अंत करना चाहता है। प्लेटो का दूसरा तर्क है, राज्य में एकता स्थापित करने हेतु साम्यवाद आवश्यक है। परिवार व्यक्तियों की में मेरे तेरे की भावना उत्पन्न करता है और इस भावना के परिणाम स्वरूप अभाव वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। प्लेटो राज्य हित में पारस्परिक संघर्ष की इस प्रवृत्ति का अंत आवश्यक मानता है। अतः प्लेटो अभाव वर्ग के समस्त स्त्री पुरुषों में एक ही परिवार के रूप में परिणित करके राजनीतिक एकता की प्राप्ति करना चाहता है। प्लेटो का अगला तर्क है, नारियों की मुक्ति तथा समान अधिकार में स्त्रियों का साम्यवाद सहायक होगा। प्लेटो की मान्यता है, उनके समय में एथेंस का सार्वजनिक जीवन पुरुषों तक ही सीमित था, अर्थात पुरुषों की ही सत्ता में सबसे इम्पोर्टेंट वो था रोल, और इसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। उनका कार्य केवल घर ही चार दीवारी में रहकर बच्चों का पोषण करना था। राज्य की सेवा के लिए बच्चों को जन्म देने में विवाह एक साधन और पत्नी एक उपकरण मानी जाती थी। प्लेटो का अगला तर्क है, साम्यवाद के लिए स्त्रियों के साम्यवाद के लिए श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति। प्लेटो का विचार है कि स्त्री पुरुषों का संसर्ग भी व्यक्तिगत इच्छाओं की पुष्टि के लिए नहीं, वरन राज्य के व्यापक हितों की दृष्टि रखकर होना चाहिए। राज्य के हित में एक जरूरी यह है कि आने वाली संतति श्रेष्ठ नस्ल की हो, और इस लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय यह है कि उचित आयु के केवल सर्वोत्तम स्त्रियों और पुरुषों का ही विवाह सूत्र में बांधा जाना चाहिए। एक श्रेष्ठ नर को उतनी मादाओं और एक श्रेष्ठ मादा को उतनी नरों के साथ जोड़ देना चाहिए जितने की वह सुगमतापूर्वक संभाल सके। इस प्रकार प्लेटो की पारिवारिक विषय साम्यवाद की योजना एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। उसके आधार पर अभाव वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का भलीभांति पालन कर सकता है, तो दूसरी तरफ राज्य में एकता आती है, संतति का सुधार होता है, और इसमें स्त्रियों की मुक्ति तथा राज्य की सेवा के लिए अवसर प्राप्त होता है।
प्लेटो के इस परिवार विश्रामवाद की कई विद्वानों ने आलोचना की है, जो इस प्रकार है। प्लेटो का परिवार विश्रामवाद एक नवीन कल्पना है और सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से इसके औचित्य पर अनेक संदेह किए जा सकते हैं। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने निम्नलिखित आधार पर इस योजना की प्रबल आलोचना की है। प्रथम, प्लेटो अपने परिवार विश्रामवाद की योजना के अंतर्गत स्त्री और पुरुषों के आधारभूत अंतर को दृष्टि में नहीं रखता है। प्लेटो स्त्री और पुरुषों में लिंग भेद के अतिरिक्त और कोई भेद ही नहीं मानता। अरस्तु की दूसरी आलोचना है, स्त्री और पुरुषों के अस्थायी संबंध की योजना प्रस्तावित करते हुए प्लेटो पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता को भुला देता है। पति और पत्नी का स्वार्थ केवल यौन संबंध के लिए नहीं होता, वरन यह संबंध तो संपूर्ण जीवन का आधार है। इस प्रकार उसका संवाद मानव मनोविज्ञान की अवहेलना करता है और इस दृष्टि से अव्यवहारिक है। यह संदेहपूर्ण है कि राज्य के माध्यम से संसर्ग स्थापित कर बुद्धिमानों, सदाचारियों और बलवानों की एक जाति उत्पन्न की जा सकती है। अनाथ बालक अधिक लाडले और मानव जाति के दुर्बल नमूने सिद्ध होंगे। प्लेटो एक संदिग्ध हित के लिए यह मान्यता प्राप्त संस्था को समाप्त करना चाहता है, जो सदाचार ही नागरिकता के गुणों को श्रेष्ठ पाठशाला है। जो वस्तु सबकी होती है उसकी परवाह करना कोई भी अपना उत्तरदायित्व नहीं समझता। प्लेटो की व्यवस्था में जब बच्चे सबके होंगे तो उनका लालन पालन वैसे प्रेम दुलार और ममता और सावधानी से नहीं हो सकता जैसे वर्तमान परिवार व्यवस्था में होता है। प्लेटो के साम्यवाद की अगली आलोचना अरस्तु ने की है, प्लेटो के साम्यवाद में अभाव वर्ग का पारिवारिक सुख से वंचित कर दिया गया है। इसमें अभाव वर्ग प्रसन्न नहीं रह सकेगा और न ही वह अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का संपादन भलीभांति कर सकेगा। अगली आलोचना, उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए प्लेटो में अपनी सामर्थ्य साम्यवादी व्यवस्था में पशु जगत के उदाहरणों से पुष्ट करने का प्रयत्न किया है, किंतु पशु जगत के नियमों को मानवीय जीवन पर लागू करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। अगली, स्त्रियों का समाज संयम के गुणों को नष्ट कर देगा, जो कि श्रेष्ठ चरित्र का एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। अगली आलोचना हम कर सकते हैं, प्लेटो की व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को उस क्षेत्र में केवल एक साधन बना दिया गया है जिसमें स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के द्वारा साध्य होने का दावा किया जा सकता है। अगली हम आलोचना में साधार कर सकते हैं, प्लेटो की व्यवस्था का वर्ग वर्ग पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक अनुभव से वंचित रहेगा और उसके द्वारा उत्पन्न वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक आवश्यकताओं और समस्याओं को ठीक रूप से समझा जा सकेगा। ऐसे व्यक्ति योग शासक के रूप में काट सकेंगे, ये बात बहुत संदेहपूर्ण है। अतः हम कह सकते हैं कि प्लेटोवादी साम्यवाद के पक्ष में सिद्धांत से चाहे कुछ भी क्यों न कहा जाए, उसकी व्यवहारिकता नितांत संदेहास्पद है। समाज के एक पक्ष को साम्यवाद की परिधि में लाना और दूसरे को उससे मुक्त रखना अपने आप में नितांत त्रुटिपूर्ण है। परिवार विषयक साम्यवाद की व्यवहारिकता तो इस बात से ही स्पष्ट हो जाती है कि अब तक व्यवहारवाद में इसे कहीं पर भी नहीं अपनाया जा सका। ओके बच्चों।